छत्तीसगढ़ के छुई खदान में दो साल से फरार चल रहे मवेशी चोर को गंडई पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। आरोपी पर आरोप है कि उसने 42 मवेशी को चोरी कर लिया है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में चोवा राम ठेठवार निवासी मुंडा टोला ने अपनी 42 भैंस को लावातरा निवासी घासी राम यादव को 4 माह के लिए चराने के लिए दिया था, जिसके एवज में 6,000 रुपए चराने की बात हुई थी। करीबन 2.5 माह भैंस को चराने के बाद आरोपी प्रार्थी को बिना बताए 42 भैंसों को जंगल में छोड़ दिया था। प्रार्थी जंगल से 17 भैंस को ढूंढ लिया था। बताते चले कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच अमल में लाई गई है। जांच के दौरान 25 भैंस जिसकी कीमत 6,25,000 रुपए है, इन भैंसों को बेईमानी पूर्वक अफरा तफरी दुर्विनियोग करना पाया गया। तब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी घासी राम यादव विगत 2 वर्ष से फरार था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक सुषमा सिंह व उप निरीक्षक राकेश शाहू एवं स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। राजनांदगांव से संवाददाता इल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। वर्ष 2018 में चोवाराम की रिपोर्ट पर ग्राम लावातरा की रिपोर्ट दर्ज हुई थी 42 नग भैंसों की चोरी करने की, जिस पर आरोपी घासीराम के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ था। चूंकि एरिया नक्सली क्षेत्र होने से आरोपी को गिरफ्तारी नहीं की जा सकी थी, जो आज दिनांक को उसकी गिरफ्तारी कर प्रकरण में न्यायालय प्रस्तुत किया गया। आरोपी को उसमें धारा 406 के तहत कार्यवाही की गई है, जिसमें 42 नगों की चोरी का 42 नग की भैंसों की चोरी का आरोप था, जिसमें से 17 नग भैंस बरामद हुई है। आरोपी को न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।